Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. Before starting the today's topic, I have a question for you. And the question is, do you know how many cells your body have? You have trillions of cells. Your body has trillions of cells and every cell coordinate with each other. And every cell know what is their role in their body, when they need to grow, when they need to develop, when they need to convert into another form. How they going to know what and where and how they are going to do this? Well, the simple answer is they have the instruction for it. And the instruction is already present in a cell. Cell mein kahan hoti hai. So, सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल से एंड उसके अंदर एक और सर्कल लगाते हैं. उसके अंदर जो सर्कल लगाता है उसको बोल लेते हैं कि ये इसका न्यूक्लियस है, ये हमारी सेल होगी. और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम. एंड जो क्रोमोसोम है, अगर उसके अंदर देखेंगे, इट हैज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए. डीएनए हैज द इंफॉर्मेशन which tell a cell what's its role in the tissue, organ या फिर body. यानी कि डीएनए के पास ही वो इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसको वो डिकोड करता है इनटू द प्रोटीन्स एंड फिर उसके बाद जो है जो सेल जो है वो ग्रो करता है, डेवलप करता है, मैच्योर करता है या कन्वर्ट करता है या फिर जो भी करता है वो अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट करता है. लेकिन इन सभी का जो बेस है वो कहां है? इन सभी का जो बेस है वो डीएनए के अंदर है. और डीएनए कहां है? क्रोमोसोम में. और जो क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है. अब डीएनए हमारा आज का टॉपिक है एंड डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. अब इसके साथ में लगा हुआ है डीऑक्सीराइबोस. राइबोस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इट्स अ शुगर. तो ये एक शुगर है एंड शुगर जनरली पेंटोज है. पेंटोज का मतलब पांच कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, C1, C2, C3, C4 एंड एक और यहां पर है C5. तो पांच कार्बन जो है वो प्रेजेंट होते हैं इसके साथ में. एंड डीऑक्सी है, इसका मतलब जो सेकेंड कार्बन है उसके ऊपर OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं है. ये OH ग्रुप इसके अंदर नहीं होता, आरएनए के अंदर होता है ये. तो डीऑक्सीराइबोस है इसके अंदर. और क्या बताने लग रहा है कि ये न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला एसिड है. अब एक शुगर का एसिडिक नेचर जो है वो कैसे हुआ? तो वो इस वजह से हुआ बिकॉज इट बाइंड विद द फास्फोरिक एसिड. तो फास्फोरिक एसिड है उसके साथ जो है ये बाइंड हो जाता है एंड जब ये उसके साथ बाइंड होता है तो ये बोंड बनाता है एक, और जो बोंड है उसको बोलते हैं हम एस्टर बोंड यानी फास्फो एस्टर. तो ये एक एस्टर बोंड हो गई. लेकिन इसकी जगह जो है ऊपर जो एक शुगर होती है वो भी इसके साथ जो है बाइंडिंग जो है वो कर लेती है. अब वो जब बाइंडिंग करती है इसके इस वाले पार्ट के साथ, जब वो बाइंडिंग करती है तो दो दो एस्टर बॉन्ड जो है वो हो जाते हैं. दो दो एस्टर बॉन्ड होने की वजह से दो शुगर के बीच में कौन सी बॉन्ड होगी? फास्फो डाइएस्टर. फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड होगी, ठीक है. मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, उसका एक जो हेलिक्स है वो किसका बना हुआ है? फास्फेट शुगर, 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 फास्फेट फास्फेट शुगर. लो जी, एक स्टैंड जो है वो मैंने बना दिया, ठीक है जी. अब मैंने तो दूसरा स्टैंड भी बनाया था. तो दूसरा स्टैंड कैसा होता है? दूसरा स्टैंड भी ऐसे ही होता है बट उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. यानी कि है तो ऐसा ही बट उसके अंदर एक डिफरेंस है. डिफरेंस क्या आ गया? जो ये शुगर है उसके अंदर सीधी नहीं है बल्कि इन्वर्टेड है, अपराइट है. अपराइट इन्वर्टेड, अपराइट इन्वर्टेड. इस साइड अपराइट है तो दूसरी साइड क्या होगी? इन्वर्टेड होगी, यानी नीचे की तरफ होगी. तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पे अगर कोई शुगर होगी तो वो शुगर कैसी होगी? वो शुगर कुछ ऐसी होगी. यहां पे भी शुगर होगी वो कैसी होगी? यहां पर भी वो इन्वर्टेड होगी. तो इसका मतलब एक स्टैंड तो सीधा है और दूसरा स्टैंड कैसा है? इन्वर्टेड है. तो यहां पर मैं एक दूसरा स्टैंड जो है साथ ही साथ बनाने लग रहा हूं. एंड जब हम ये स्टैंड साथ ही साथ बनाने लग रहे हैं तो ये स्टैंड भी किसका बना होगा? फास्फेट शुगर, 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 फास्फेट, ठीक है. तो लो जी,
ये जो है मैंने स्टैंड जो है ये मैंने बना दिया है, ठीक है जी। अब इसके बीच में अब दो स्टैंड है, लेकिन दो स्टैंड को जोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए भाई, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो यहां पे दो स्टैंड को जोड़ने के लिए कुछ ना तो कुछ होगा। इसको आप कुछ इस तरीके से समझो, जैसे एक लैडर है और उस लैडर के साथ में क्या होते हैं, दो उसकी स्टैंड जो है वो लगी हुई है, लेकिन उन दोनों के बीच में जोड़ने के लिए क्या होते हैं, स्ट्राइप्स होते हैं। सिमिलरली शुगर दूसरी शुगर के साथ में, यानी जो यहां पे एक दूसरी शुगर होगी, उन दोनों के बीच में जो है बॉन्डिंग होगी। अगर इन दोनों के बीच में अगर बॉन्डिंग नहीं होगी तो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकते। अब वो एक दूसरे के साथ में जुड़ते कैसे हैं, तो जो शुगर है, अगर हम डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, और नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं दो टाइप के, एक होता है प्यूरीन और एक होता है पायरिमिडीन। प्यूरीन को अगर हम देखेंगे तो प्यूरीन डबल रिंग वाले होते हैं, एंड अगर पायरिमिडीन को देखेंगे तो ये सिंगल रिंग वाले होते हैं। क्योंकि दोनों के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसी वजह से इनका नाम जो है नाइट्रोजन बेस जो है वो पड़ा हुआ है। अब प्यूरीन कितने टाइप के हो सकते हैं, प्यूरीन जो है कैन बी एडेनिन और कैन बी गुआनिन। तो क्या स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी वैसा का वैसा ही रहता है। तो दोनों के अंदर सेम कंजर्व्ड वही स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, सेम उसके अंदर यही चीज होती है, लेकिन जो एडेनिन है उसके ऊपर क्या है, एक एनएस टू ग्रुप है, लेकिन इसके साथ में ऑक्सीजन का और एनएस टू ग्रुप जो है नीचे प्रेजेंट होता है। यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन। तो दोनों के अंदर बस इतना सा डिफरेंस है। अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और जो ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ में एक ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ रहता है, यानी जो हमारी शुगर है उस शुगर के साथ जो OH ग्रुप था उस OH ग्रुप के साथ में ये नई थोड़ी नाइट्रोजन जो है जुड़ी हुई है, अगर हम एडिनिन के साथ में जुड़े तो। अगर एक शुगर के साथ में एडिनिन अगर जुड़ गया, एडिनिन अगर जुड़ गया तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं एडिनोसाइन। नाइट्रोजन बेस तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, और कौन सा हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, तो गुआनिन को क्या बोलते हैं हम, गुआनोसाइन। अगर थाइमिन अगर जुड़ जाए तो उसको कह देते हैं थाइमोसाइन, और अगर साइटोसिन अगर जुड़ जाए तो साइटीडाइन जो है वो बोल देते हैं हम थाइमीडाइन, यहां पे थाइमीडाइन जो हुआ है, ठीक है, अगर शुगर जुड़ी हुई तो। इस टाइप की जो चीजें होती हैं हम उसको बोल देते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, शुगर के साथ में अगर कोई भी नाइट्रोजन बेस अगर जुड़ा हुआ तो हम उसको बोल देते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर इसके साथ में अगर एक फास्फेटिक ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ तो, यानी फास्फोरिक एसिड जो है वो जुड़ा हुआ तो ये न्यूक्लियोसाइड नहीं, हम इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। और न्यूक्लियोटाइड जो है वो एसिडिक होते हैं, बिकॉज इसके साथ में क्या प्रेजेंट है, फास्फेट या फास्फोरिक ग्रुप जो है प्रेजेंट है। तो फास्फोरिक ग्रुप अगर इसके साथ प्रेजेंट है, अगर इनके साथ सभी के साथ अगर फास्फोरिक एसिड अगर जुड़ जाता है तो इनका नाम भी जो है चेंज हो जाता है। जैसे एडिनिन है तो एडिनाइलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड और साइटीडाइलिक एसिड जो है वो बन जाता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो जो शुगर है उसके साथ में क्या जुड़ा रहता है, शुगर के साथ में कोई ना कोई नाइट्रोजन बेस जो है वो जुड़ा रहता है। अगर कोई नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है जैसे कि थाइमिन जुड़ा हुआ है तो शुगर और थाइमिन को कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि एक न्यूक्लियोसाइड है और उस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, थाइमीडाइन होगा। अगर शुगर फास्फेट और इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं क्या कहूंगा, न्यूक्लियोटाइड कहूंगा, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, थाइमीडाइन जो है हो जाएगा। ट्रेडिशनली क्या है, प्यूरीन जो है वो हमेशा बाइंड होता है किसके साथ में, पायरिमिडीन के साथ में, और ये इनकी बाइंडिंग कुछ इस तरीके से होती है कि जो पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन कितने टाइप के हो सकते हैं, साइटोसिन टाइप के हो सकते हैं, थाइमिन टाइप के हो सकते हैं, यूरेसिल का भी हो सकता है, बट यूरेसिल का होता नहीं। ट्रेडिशनली क्या है, एडिनिन के साथ में हमसे क्या जुड़ा रहता है, थाइमिन जुड़ा रहता है, वो भी दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में, और गुआनिन के साथ में जुड़े रहते हैं क्या, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ में, ठीक है। तो अगर एक शुगर के साथ में थाइमिन जुड़ा हुआ है तो इससे सामने वाली जो शुगर होगी उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ होगा, एडिनिन जुड़ा होगा, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड होगी, और वो बॉन्ड कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। एक नाइट्रोजन बेस और एक शुगर के बीच में जो बॉन्ड होगी वो बॉन्ड कौन सी होगी, वो बॉन्ड होगी ग्लाइको
साइड एक बॉन्ड होगी, एंड फास्फेट शुगर के बीच में जो बॉन्ड होगी वो कौन सी होगी, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड जो है वो होगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा सा बना लूं। सो ये डायग्राम जो बनाया गया है, तो ये हमारी वो स्ट्रैंड है जो हमने ऐसे करके दिखाई थी, एंड दूसरी स्ट्रैंड ऐसी है, एंड इसके बीच में बेस पेयर है। तो एडेनिन हमेशा पेयर अप होगा किसके साथ में, थायमिन के साथ में, और ग्वानिन जो है वो हमेशा पेयर होगा किसके साथ में, ठीक है जी। तो एडेनिन जो है थायमिन के साथ में, ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ में जो है पेयर अप होगा, एंड जो पेयरिंग होगी तो वो ऐसे होगी। तो इसमें कुछ एक मोटी मोटी चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। नंबर विड्थ जो है इसकी वो है 2 नैनोमीटर, एक बेस एडेनिन एक बेस थायमिन, दो बेस हो गए, दोनों के बीच में पेयरिंग होंगी तो बन गया एक बेस पेयर। एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर का है, ठीक है। ये पूरा जो टर्न होता है वो 360 डिग्री का टर्न होता है, और जो ये 360 का टर्न होता है, यानी कि 360 डिग्री का जो टर्न है, उस 360 डिग्री के टर्न के अंदर 10 बेस पेयर जो है वो आते हैं, साथ में इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर जो है वो पाया जाता है, ठीक है जी। तो एक चीज ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी जो है ये होगी, चौथी जो है ये होगी, पांचवी भी। इनके बीच में बॉन्डिंग ना कुछ ऐसी है, कुछ सीधी है, कुछ तिरछी है, इसी वजह से जो डीएनए है उसके बीच में कहीं पे तो कुछ ज्यादा गैप है और कहीं पे कम गैप है। जहां पे कम गैप होता है उसको क्या देते हैं हम, माइनर ग्रू, और जहां पर ज्यादा ग्रू होता है उसको बोल देते हैं मेजर ग्रू, ठीक है जी। ये आ गया समझ में, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। यहां पर जो पोलरिटी है वो अपोजिट है, एक शुगर सीधी है एक स्टैंड के ऊपर और दूसरे के ऊपर जो है उल्टी है, यानी एंटी पैरेलल है, एक स्टैंड ऊपर की तरफ जाने लग रहा है, एक नीचे की तरफ जो है जाने लग रहा है। तो इसी वजह से यहां पर जो पोलरिटी बनती है वो 5' से 3' और 3' से 5' जो है वो बनती है। प्राइम क्यों कहने लग रहे हैं, प्राइम इस वजह से कहने लग रहे हैं कि जो बॉन्डिंग होती है वो 3' पे, यानी कि ठीक कार्बन पे नहीं, कार्बन के नीचे जो प्रेजेंट OH ग्रुप है उसके ऊपर होती है। सिमिलरली पांचवें कार्बन पे नहीं, पांचवें कार्बन के साथ में जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ था उसके साथ होती है, तो इस वजह से 5' या फिर 3' कहते हैं। जो स्टैंड बना हुआ है वो 5' और 3' के ऊपर ही है, सबसे नीचे वाला जो जो शुगर होगा उसमें 3' खाली होगा और सबसे ऊपर वाला जो शुगर होगा उसके ऊपर 5' जो है वो खाली होगा। सेम दूसरी साइड भी ऐसे ही है, उसमें जो है उल्टा जो है वो हो जाएगा। कुछ याद आप रखना चाहो तो एक्स्ट्रा जो है वो याद रख सकते हैं कि जो एडिनिन है उसका 1 और 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ में, और थायमिन का कौन सा कार्बन, थर्ड एंड फोर्थ। सिमिलरली जो साइटोसिन है वो पेयर अप होता है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ कार्बन के साथ में, एंड जो ग्वानिन है उसके साथ में पेयरिंग होती है सेकेंड 1 और 6 कार्बन के साथ में। तो मोटा मोटा जो है ये याद रखने की जो है आपको जरूरत जो है वो पड़ेगी। एक एनसीईआरटी के अंदर अलग से जो है क्वेश्चन आ जाता है चिरगाफ रूल के ऊपर। चिरगाफ रूल क्या बोलता है, नंबर ऑफ प्यूरीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडीन। तो प्यूरीन एडिनिन प्लस में ग्वानिन पायरिमिडीन, यानी कि थायमिन हो गया और साइटोसिन हो गया, यानी कि इनका नंबर जो है वो बराबर रहता है, यानी कि ए प्लस जी अपॉन में टी प्लस सी इज इक्वल टू 1, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें जो है रिजल्ट जो मिल जाएगा। अब इसके ऊपर जो है क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जैसे कि मान लो थायमिन कितने हैं 20%, थायमिन कितना है 20%, तो मुझे ये बताओ कि बाकी के बेस जो है वो कितने होंगे, यानी ग्वानिन जो है वो कितना होगा। तो जितना एडिनिन होगा उतना ही, जितना थायमिन उतना ही एडिनिन होगा, यानी 20% होगा। अब परसेंट का मतलब 100, हमें क्या क्या पता चल गया, थायमिन और एडिनिन का जो है वो हमें पता चल गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना होगा, 40% जो है वो हो गया। 40% कितने में से, 100 में से। तो इसका मतलब क्या है, टोटल तो आने कितने हैं, टोटल आने हैं 100, और थायमिन और एडिनिन को जोड़ दूं तो कितने हो गए, 40 हो गए, तो बचे कितने, 60। जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे, तो अगर मैं इसको 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो कितने आ जाएंगे, 30, तो यानी ग्वानिन कितने होंगे 30%। सिमिलरली जो साइटोसिन होंगे वो भी कितने होंगे, 30% जो है वो होते हैं। एक और क्वेश्चन रखते हैं अभी, हमारा साइटोसिन जो है वो है 25%, तो बताओ बाकी बेसिस जो है कितने होंगे। अब जितना साइटोसिन होगा
वो उतना ही ग्वानिन होगा, तो ग्वानिन कितना होगा 20%, दोनों का जोड़ दो कितने हो गए 50 हो गए, 50 का होगा टोटल कितने आएंगे 100 में से आएंगे, तो 100 में से 50 के कितने बचे 50 बच गए, तो 50 का अगर हाफ करोगे तो 25 जो है होगी, तो यानी एडिनिन कितने आ जाएंगे 25% और थायमिन कितने आ जाएंगे 25%। एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो और कर लेते हैं, मान लेते हैं थायमिन जो है 10% है, तो बताओ बाकी बेस पेयर कितने होंगे, यानी बेसिस कितने होंगे, जितना एडिनिन है उतना ही क्या आएगा, जितना थायमिन है उतना एडिनिन आएगा, ठीक है। टोटल अभी तक कितने हो गए, टोटल होते हैं 100 और थायमिन प्लस एडिनिन कितने हो गए 20 हो गए, तो 80 जो है ये बच गया। अब जितने ग्वानिन होंगे और साइटोसिन होंगे उसको जो है मैं 2 से जो डिवाइड कर दूं, तो ग्वानिन प्लस में साइटोसिन कितने होंगे 80 होंगे, 80% होंगे, तो क्योंकि दोनों इक्वली होते हैं, तो अगर मैं साइटोसिन क्या कर लूं तो मैं 2 से जो है इसको डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा 40% जो है वो आ जाएगा, ग्वानिन कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा। डीएनए की स्टेबिलिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डीएनए की स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है इन हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डीएनए की स्टेबिलिटी के ऊपर। दूसरा भी इसके ऊपर होती है बेस स्टैकिंग, एक जो बेस पेयर है वो दूसरे बेस पेयर के साथ में लगा हुआ है उसके साथ में जो है बॉन्ड बनाता है, एंड चूंकि वो बॉन्ड बनाता है और कई सारे बेस पेयर है तो बेस एक दूसरे के ऊपर स्टैक बना बना करके इस स्ट्रक्चर को जो स्टेबल जो है बनाए हुए है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट करें उसको, एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इन डीएनए इफ वी नो द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड देन वी कैन आल्सो डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द अनदर स्ट्रैंड, लाइक इफ वी हैव ए सीक्वेंस लाइक ए टी जी सी टी ए जी ए 3S, तो वी कैन आल्सो डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अनदर स्ट्रैंड, एंड व्हाट इट मीन, इट मे बी द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द अर्लियर स्ट्रैंड, सो ऊपर 5S है तो नीचे वाली स्ट्रैंड के अंदर जो है 3' होगा, ऊपर जो है अगर ये ए है तो नीचे टी होगा, यहाँ टी है तो ए होगा, जी है तो सी होगा, सी है तो जी होगा, क्योंकि ए हमेशा बाइंड होता है किसके साथ में टी के साथ, और जी हमेशा बाइंड होता है किसके साथ सी के साथ, तो टी जो है वो ए के साथ, ये सी टी टी और यहाँ पे 5'। तो इफ वी नो द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड देन वी कैन आल्सो डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अनदर। एक और एग्जांपल लिखते हैं, लेट्स से 3' का अगर हमें एग्जांपल मिल गया और सीक्वेंस हमसे दे दी जी जी सी सी टी टी और ए के लिए, अब पूछ लिया हमसे कि बताओ इसका सेकंड जो है क्या होगा, यानी कि सेकंड स्ट्रैंड के अंदर सीक्वेंस क्या होगी, तो 3' है तो 5', और यहाँ जी है तो यहाँ पे सी 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 जी जी ए टी टी और यहाँ पे 3', ठीक है। आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा।